क्या हुआ डैड को? अच्छा डॉक्टर ने कहा है कि उनका बाईपास होगा, लेकिन तुम्हारे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं पहले। बाईपास? डैड के साथ इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं। सारे उनको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं थी पहले? एक्चुअली तुम्हें काफी अरसे से बताना चाह रहे थे, लेकिन तुम परेशान ना उसने नहीं बताया, लेकिन अब कंडीशन ज्यादा खराब है। आई थिंक तुम्हें अंकल से मिलने चले जाना चाहिए। आंटी, डैड को कुछ होगा तो नहीं ना? मेरा तो उनके सिवा कोई है भी नहीं। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस तुम ऐसा करो, जल्दी से अपनी तैयारी करो और पहली फुर्सत में वहां पहुंचो। सारिम, तुम फर्स्ट फ्लाइट से मेरी बुकिंग कर दो। मुझे डैड के पास होना है, उनको मेरी जरूरत है। मैं अभी करवाता हूँ, ऑन इट। खाना बना रही हो? हाँ भाभी, बन गया है। अम्मी की रात को तबीयत ठीक नहीं थी, अब बेहतर है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मैंने आहिल के लिए खिचड़ी और अम्मी के लिए सूप बना दिया। आप अम्मी को सूप और आहिल को खिचड़ी दे दीजिएगा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। एक मिनट, जताना क्या चाह रही हो कि अगर तुम अम्मी के लिए सूप ना बनाती तो क्या मैं बना के ना देती उनको? भाभी, जब मैं आहिल के लिए खिचड़ी बना ही रही थी तो अम्मी के लिए सूप भी बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देखो, आहिल की जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है, बल्कि बिना वजह तुमने अम्मी के ऊपर एक बोझ डाला हुआ है। और रही बात अम्मी की, तो अम्मी के सारे काम मैं खुद कर लिया करूंगी। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छी तरह एहसास है, और जहां तक बात है आहिल के कामों के बोझ की, तो बोझ इंसान उन पर डालता है जो बोझ समझकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर काम करें। और अम्मी जब मुझे कहेंगी और मुझे जब वक्त मिलेगा, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बना दिया करूंगी। बहुत जवाब आ गए हैं तुम्हें देने। वैसे आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, लेकिन अगर सवाल बढ़ जाए तो मजबूरन देना पड़ता है। खैर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ तो रुको, कहाँ जा रही हो? छुट्टी कर लो ना आज ऑफिस से। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आहिल को कौन संभालेगा? नई जॉब है ना, तो छुट्टी कर नहीं सकती, वरना कर लेती। और आहिल की फिक्र आप ना करें, अम्मी देख लेंगी।